बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा। गट्टू चिंकी गुड्डी और बंटी साथ में घर पर बैठकर अपना साइंस प्रोजेक्ट बना रहे थे। हम कितनी देर से ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं दोस्तों, पर देखो ना अभी तो कितना सारा काम बचा है। सही कहा तुमने गट्टू। नहीं नहीं बंटी और गट्टू, देखो अब बस प्रोजेक्ट में ड्राइंग का काम ही बचा है जो कि तुम्हें और गट्टू को मिलकर करना है। बाकी सारा काम तो मैं और गुड्डी संभाल लेंगे। मुझे तो लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा बनेगा क्योंकि मेरी और चिंके की हैंडराइटिंग सुंदर है और गट्टू और बंटी साथ में कितनी अच्छी ड्राइंग करते हैं। हाँ गुड्डी, वैसे हम कितनी देर से ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अब हमें थोड़ी देर का ब्रेक लेना चाहिए और कोई गेम खेलना चाहिए। अच्छा आइडिया है गट्टू, पर मुझे तो लगता है कि हमें पहले प्रोजेक्ट खत्म कर लेना चाहिए। प्लीज चिंकी, हम बस 30 मिनट्स का ही ब्रेक लेंगे जिसमें हम स्नैक्स खाएंगे और एक लूडो गेम खेलेंगे। बस मैं जल्दी से मम्मी को स्नैक्स के लिए बोल कर आता हूँ। जब सभी ब्रेक के लिए कहते हैं तो चिंकी भी मान जाती है। गट्टू मम्मी को स्नैक्स लाने के लिए बोल देता है और फिर वो लूडो बोर्ड ले आता है। हम तो 4 लोग भी है, मजा आएगा, मैं तो रेड लूंगा। नहीं गट्टू, रेड तो मेरा लकी कलर है, रेड मुझे चाहिए। क्या? नहीं नहीं बंटी, मैं हमेशा रेड लेता हूँ, रेड मैं ही लूंगा। गट्टू और बंटी को रेड लेने के लिए लड़ता हुआ देखकर चिंकी कहती है, अरे इसमें लड़ने जैसा क्या है, बंटी इस बार रेड तुम ले लो और नेक्स्ट गेम में गट्टू रेड ले लेगा। ओके ओके चिंकी। गेम शुरू हो जाता है और सब खेलने लगते हैं। सबके प्लेयर्स लूडो में खुल जाते हैं मगर गट्टू का अभी तक 6 नहीं आया था। यही नहीं, बंटी गट्टू से बहुत ज्यादा आगे था। जब बहुत देर तक गट्टू का 6 नहीं आता और वो हारने लगता है तब गट्टू को गुस्सा आ जाता है। नहीं, मैं ये गेम नहीं खेलूंगा, इस बंटी ने चीटिंग की है। क्या? मैंने क्या चीटिंग करी गट्टू? पहले तो तुमने मेरा रेड ले लिया और फिर तुमने मुझे 2 बार काटा बंटी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो गट्टू, ये तो बस गेम है और मैंने कोई चीटिंग नहीं की। गट्टू गुस्से में सारे प्लेयर्स को इधर उधर कर देता है और कहता है, नहीं तुमने चीटिंग करी है बंटी, जरूर तुम चीटिंग से बार बार 6 ला रहे थे वरना मुझे लूडो में कोई हरा नहीं सकता। गट्टू ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भी तो ज्यादा 6 नहीं आया ना, मैं तो ऐसा नहीं कह रही। नहीं चिंकी, तुम्हारे पास तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लू है पर इस बंटी ने मेरा फेवरेट रेड कलर भी ले लिया, मुझे इसके साथ खेलना ही नहीं है। हाँ तो मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं खेलना है गट्टू, तुमने मुझे चीटर कहा है जबकि मैंने कोई चीटिंग नहीं की, तुम्हें तो खेलना ही नहीं आता, मैं घर जा रहा हूँ। अरे बंटी रुक जाओ, तुम्हारे बिना हम प्रोजेक्ट कैसे पूरा कर पाएंगे। गुड्डी सही कह रही है गट्टू बंटी, अगर तुम दोनों साथ में काम नहीं करोगे तो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। तो फिर चिंकी गट्टू से कहो कि पहले मुझसे माफ़ी मांगे। नहीं मैं ऐसे किसी से भी माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। गट्टू और बंटी एक दूसरे से मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं। कोई भी चिंकी की बात को सुनने के लिए राजी नहीं था। तभी मम्मी कमरे में स्नैक्स लेकर आ जाती है। ये लो बच्चों तुम्हारे स्नैक्स। अरे गट्टू और बंटी तुम दोनों को क्या हुआ? चिंकी मम्मी को इशारा करती है और उन्हें बाहर ले जाती है। बाहर जाकर चिंकी मम्मी को सारी बात बता देती है। मम्मी अगर वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हो पाएगा। चिंकी बेटा लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मेरे पास एक प्लान है। मम्मी चिंकी को अपना सारा प्लान बता देती है और फिर वो दोनों अंदर कमरे में चले जाते हैं। गट्टू बेटा चलो हम लोग फिर से लूडो खेलते हैं और इस बार बंटी की जगह मैं खेलूंगी, ठीक है? चिंकी बंटी और गुड्डी को इशारा से समझा देती है कि ये उसका और मम्मी का प्लान है। क्या? ठीक है मम्मी हम सब खेलते हैं लेकिन मैं रेड लूंगा। मम्मी गट्टू चिंकी और गुड्डी आपस में लूडो खेलने लगते हैं मगर इस बार गट्टू गेम जीत रहा था। पर फिर मम्मी गट्टू से कहती है, ये क्या गट्टू तुम चीटिंग क्यों कर रहे हो? क्या मम्मी मैंने कहाँ चीटिंग करी? गट्टू अभी भी तुम चीटिंग से 6 लाए। नहीं मम्मी मैंने चीटिंग नहीं की। मम्मी सही कह रही है गट्टू, तुम चीटिंग से ही जीत रहे हो। हाँ गट्टू चीटिंग मत करो ना। अरे लेकिन मैंने चीटिंग की ही नहीं है। अच्छा तो फिर तुम बार बार 6 कैसे ला रहे हो और मैं तो अभी तक एक बार भी 6 नहीं ला पाई और तुम जीत भी रहे हो,
जब बंटी के साथ सेम चीज हो रही थी तो तुम भी तो यही कह रहे थे ना कि वो चीटिंग कर रहा है, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम चीटिंग नहीं कर रहे हो? बोलो। मम्मी की बातें सुनकर गट्टू को एहसास हो जाता है कि मम्मी उससे क्या कहना चाह रही थी। मैं समझ गया मम्मी, आई एम सॉरी बंटी, मैं हार रहा था और शायद इसी गुस्से में मैंने तुमसे कुछ भी बोल दिया, वो तो बस एक गेम था और सिक्स आना तो लकी बात होती है। इट्स ओके गट्टू, मैंने भी काफी कुछ कह दिया था, मुझे अच्छा लग रहा है कि अब तुमने अपनी गलती मान ली, वैसे भी हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना, ये सब तो चलता ही रहता है। गुड गट्टू, तुमने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली, अब तुम दोनों वापस से दोस्ती कर लो और मिलकर अपना प्रोजेक्ट बना लो, ठीक है? हाँ मम्मी। हाँ आंटी। गट्टू और बंटी गले मिलते हैं और वापस से दोस्ती कर लेते हैं। इसके बाद सब बच्चे साथ में स्नैक्स खाते हैं और फिर साथ मिलकर अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें